फ्रेंड दिस इज सनी विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं एसबी रिकॉर्ड। सो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर लॉकडाउन खुला है, थोड़ा अनलॉक वन हुआ है। भाई बहुत ज़्यादा रश है रोड पर, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअल आज मैं रोड पर कुछ सामान लेने गया तो इतनी भीड़ थी भाई, करीब मेरे को 15 से 20 मिनट मेरे को रोड क्रॉस करने में लगी। मतलब एकदम से जैसे अनलॉक हुआ है थोड़ा सा, इतना भी नहीं कि सरकार ने गवर्नमेंट ने पूरा अनलॉक कर दिया, पूरा भी नहीं किया, लेकिन इतनी ज़्यादा रोड पर भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भैया मुझको 15 से 20 मिनट मुझको रोड क्रॉस करने में लगे, और उसके बाद भी लाइन ख़त्म नहीं हुई। मतलब ज़बरदस्ती मेरे को निकलना पड़ा कि मुझको लेट हो था। अच्छा, मेरे को कुछ भाइयों ने मैसेज किया था कि मैं वीडियो बनाऊं। सो भाई कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो आज मैं वीडियो बनाया था उस चीज़ के ऊपर। कुछ मुझको बोला था कि जैसे घर से बाहर जाते हैं हम, तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, फेस पे क्या लगाना चाहिए, जैसे पोल्यूशन से, डस्ट से, जिससे कि दूर रहें तो फेस अच्छा रहे हमारा। तो भाई वीडियो पूरा देखे, लास्ट तक देखे, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, और बहुत ही एकदम बिल्कुल देसी, बिल्कुल रिजल्ट वाली चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, जो बंदे सेविंग वगैरह बीएड वगैरह रखते हैं, जब वो कहीं पे जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, क्योंकि कॉलेज वगैरह तो खुल नहीं रहे, जो बंदे ऑफिस जाते हैं, तो भाई सबसे पहले क्या करो, ये जो अपर साइड होती है ना, अपर साइड को धागे से या मशीन से ट्रिम कराओ, ठीक है। जब ये अपर साइड आपकी बिल्कुल क्लीन होगी, तो इस पे आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको नहाने से 10 मिनट पहले एलोवेरा यूज़ करना है, एलोवेरा जेल लगाना है, ठीक है। जिसके पास में जेल है एलोवेरा जेल लगाओ, और एलोवेरा है तो एलोवेरा लगाओ, ठीक है। स्टोर वगैरह से, जनरल स्टोर से ले सकते हो, वरना फिर ये तो होम्योपैथिक चीज़ें घर वगैरह में होती रहती है, इनको लगा लेते हैं लोग। तो उसको लगाना है, पूरे फेस पे लगाना है, 10 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद आपको नहाना है डायरेक्ट, ठीक है। नहाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे घर से बाहर जाते हैं तो वैसलीन होती है एक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल देसी सी, मैं बता देता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूज़ करते हो, कौन सी आपकी स्किन को सूट करती है, क्या है, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, वेट। तो फ्रेंड्स, ये वो वैसलीन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, इमामी वैकू केयर है, हर्बल पेट्रोलियम जेली है। इसके अंदर एलोवेरा होता है, तुलसी होती है, और लिक्विरिस होती है, ठीक है। इसके अंदर तीनों चीज़ होती है भाई, ये बहुत अच्छी वैसलीन है, मेरी स्किन को ये सूट करती है, इसलिए मैं ये लगाता हूँ। इससे आपका चेहरे पर भी ग्लो आएगा, और थोड़ा चेहरा फेयर भी होगा, अगर किसी के डार्क स्पॉट वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे पर कोई पिंपल वगैरह है, फिर कोई पिंपल निकलने वाला है, तो वो भी उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, जेल वगैरह अपने एलोवेरा जेल लगाने के बाद 10 मिनट बाद आपको नहाना है। नहाने के बाद में जब आप जाते हो ऑफिस के लिए, रेडी होके कंघी वगैरह करते हो, तो आपको थोड़ी सी ये वैसलीन लेनी है, इसको आपको फेस पे लगानी है, फेस पे, पूरे फेस पे लगानी है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट ये होगा कि जितना भी डस्ट पोल्यूशन सुबह से लेकर शाम तक आपको होगा, जितना भी आपके फेस पे आएगा, वो आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। ना कोई डार्क स्पॉट देगा, ना कोई पिंपल देगा, कुछ नहीं देगा इसका। इससे आपको ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जितना भी डस्ट पोल्यूशन जो कुछ भी होगा, जितना भी गंदगी वगैरह होती है एक हिंदी टाइप में, तो वो सारी फेस पे रुक जाएगी ऊपर। आपको क्या करना है, जब आप शाम को घर आते हो, तो आपको किसी भी अच्छे फेस वॉश से, गार्नियर का ले लो, कोई भी A to Z जो भी आपको अच्छा हो। वैसे मैं तो गार्नियर यूज़ करता हूँ, गार्नियर एक्ने क्लियर के नाम से, मैंने एक बार वीडियो बनाई, आप देख लेना, मेरी लास्ट वीडियो बनी हुई है उस पर एकदम। तो आपको क्या करना है, उससे फेस वॉश करना है, तो जितनी भी डस्ट आपकी है फेस पे वो सब निकल जाएगी, ठीक है। आपको सोने से पहले करना है ये, जब आप सोओगे खाना वाना खाने के बाद में, आपको एक बार फेस वॉश करके उससे, और आपको ये थोड़ी सी वैसलीन और लेनी है, थोड़ी सी ये जेल लेना है, ठीक है, और फेस पे लगानी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई, और घंटी को जरूर दबा देना, ठीक है। अच्छा चलो, बाय बाय, सी यू।